सो वेलकम गाइस, स्वागत है चैनल की पहली वीडियो में। तो गाइस, आप आज के टॉपिक तो थंबनेल लेके समझ ही गए होंगे कि आज के टॉपिक न्यू पोर्शन पे होने वाली है, जो कि हमारे क्लैश ऑफ क्लैंस में आने वाली है। सो आप यहाँ मैजिक आइटम्स में देख सकते हैं, हमारे पास चार पोर्शन है, पावर पोर्शन, ट्रेनिंग पोर्शन, रिसोर्स पोर्शन और बिल्डर पोर्शन। आपको चारों के काम तो पता ही होंगे। सो अगर नहीं भी पता है तब भी मैं एक बार बता देता हूँ। पावर पोर्शन, ये जो है हमारे, जैसे मैं यहाँ टनल लाइन पे हूँ, लेकिन मेरी लेबोरेटरी लेवल 6 है। सो मुझे लेवल 7 पकड़ने के लिए 3 दिन लगेंगे। सो 6 के हिसाब से, मतलब टनल 8, मेरे टनल 8 के हिसाब से सारे ट्रूप्स मैक्स हो जाएंगे पूरे 1 घंटे के लिए। सो गाइस, अब बात आती है सेकेंड पोर्शन की, जो है रिसोर्स पोर्शन। सो ये जो हमारा रिसोर्स पोर्शन है, ये हमारे सारे कलेक्टर्स को, यहाँ एलिक्सर कलेक्टर है, यहाँ गोल्ड माइन है, यहाँ फिर यहाँ डार्क ड्रिल है, सबको 1 दिन के लिए बूस्ट कर देता है। अब हमारे तीसरी पोर्शन की बात आती है, ट्रेनिंग पोर्शन। सो आपको इसका तो काम पता ही होगा कि ये हमारे बैरेट्स को, स्पेल फैक्ट्रीज को और वर्कशॉप को पूरे 1 घंटे के लिए बूस्ट कर देता है 4x स्पीड से। और गाइस, अब लास्ट और चौथी पोर्शन आती है, जो कि है बिल्डर पोर्शन। ये कोई भी बिल्डर हो, मास्टर, सॉरी कोई भी बिल्डर बोलो, होम विलेज में हम लोग को 5 बिल्डर्स मिलते हैं, पांचों को 10x स्पीड से ये काम कराएगी 1 घंटा के लिए। सब इसके अलावा अब हमें 5वीं पोर्शन मिलने वाली है, आपको भी पिक्चर दिख रही होगी स्क्रीन पे, जिसका नाम है क्लॉक टावर पोर्शन। तो ये हमारा, मैं यहाँ देख सकते हैं आप, बिल्डर बेस में आ गया हूँ और मेरा क्लॉक टावर लेवल 1 का है। तो इसमें बूस्ट ड्यूरेशन 3 मिनट है, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट। सो ये जो क्लॉक टावर पोर्शन है, ये 10 मिनट से बढ़ के हमारे क्लॉक टावर का बूस्ट ड्यूरेशन 30 मिनट तक कर देता है। मतलब गाइस, 1 मिनट 2 मिनट नहीं, सीधे 30 मिनट बढ़ा देता है। हमें ज़रूरत भी नहीं है कि बार बार इंतज़ार करने का। सो 1 मिनट मैं आपको बिल्डर बेस में ले जाके कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ टॉप प्लेयर्स में देख सकते हैं, ये जो नंबर 4 है, इसका मैं प्रोफाइल चेक करूँ तो पूरा ये मैक्स बंदा है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन करेंट क्लैन कैसल लेवल 7 है और टनल 11 का बंदा है, तो ये तो नहीं। शायद मैंने एक को देखा था जो कि टनल 8 का बंदा था, तो ये 11 का भी है तब भी आप देख सकते हैं। ग्लोबल में इतना टॉप 10 में आना बड़ा मुश्किल है। सो 1 मिनट गाइस, मैं यहाँ नंबर 1 का आपको दिखा देता हूँ प्रोफाइल, सॉरी नहीं दिखाएगा। यहाँ जो भी आप प्लेयर देख रहे हैं, टॉप 200 के हैं सारे ग्लोबल में। सो ये इनके सारे बेसिस भी मैक्स रहते हैं, कुछ टॉन लोअर टॉनल के, जैसे टॉनल 7, टॉनल 8, टॉनल 9, ये सब के हैं। सो उन सब के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो बिल्डर बेस पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। मैं तो उतना एक्टिव रहता नहीं हूँ, तो फिर भी मुझे अच्छे खासा मिल जाता है उसमें लूट। कभी बाय चांस अगर कुछ भी, मतलब कुछ मजबूरी हुई, तब मैं खेलूँगा बिल्डर बेस। मतलब ट्रूप ट्रेनिंग में टाइम लग रहा है, इन सब चीज़ों में मैं बिल्डर बेस में खेलूँगा। ऐसे मैं होम विलेज में एक्टिव रहता हूँ। हाँ, तो ये उन बिल्डर बेस प्लेयर्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो फिर गाइज, ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब आगे कुछ बताने से पहले मैं बता दूँ, अगर आपको मेरा क्लैन ज्वाइन करना है, मैं टैग डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप यहाँ मेरे क्लैन का नाम देख सकते हो, YT क्लासिंग जी है। यहाँ पर 4 में से 3 अकाउंट मेरे हैं,
जो कि लोअर टाउन हॉल के है। सो आप ये मेरा देख सकते हो, ये मेरा मेन अकाउंट नहीं है, रस बेस है ये मेरा, मतलब सेकंड मेन अकाउंट आप इसे बोल सकते हैं मेरा। मैं अपने मेन अकाउंट है ना तो इस पर, दोनों में से किसी एक ही पे, इन्हीं दो पे एक्टिव रहता हूँ। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पसंद आए तो, और बगल वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।